फेसबुक का नाम दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमें मेटावर्स के नाम से जाने, लेकिन सवाल ये है कि क्यों और क्या है ये मेटावर्स। मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मेटा और दूसरा है वर्स। यहाँ पर मेटा का मतलब है बियॉन्ड, यानी जो चीज हम सोच नहीं सकते, और वर्स का मतलब है यूनिवर्स, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जिसे हम देख नहीं सकते। मेटावर्स का मतलब एक ऐसी दुनिया जो हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारी समझ से बहुत आगे है। जी हाँ, मेटावर्स दरअसल एक वर्चुअल दुनिया है जहाँ आप वर्चुअली मौजूद रहते हैं, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि आप उस दुनिया में फिजिकली उस जगह पर मौजूद हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। मेटावर्स में किसी गांव में बैठा छात्र दिल्ली के किसी स्कूल या कॉलेज में ठीक उसी तरह से क्लास ले सकता है जैसे कि वो क्लासरूम में ही बैठा हो। मेटावर्स की दुनिया में आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने की सैर कर सकते हैं, वो भी रियल लोकेशन पर जाकर। और इतना ही नहीं, आप उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी हाइपोथेटिकल बातें कर रही हूँ। यकीन मानिए, मेटावर्स की दुनिया में ये सब कुछ संभव है। अब सवाल ये है कि ये कैसे काम करता है। मेटावर्स जो कि पूरी तरह से एक वर्चुअल दुनिया है, इसमें आपकी तस्वीर का एक होलोग्राम तैयार किया जाता है और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको रियल लोकेशन की वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट किया जाता है। अगर आप भी मेटावर्स की दुनिया में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होगी। मेटावर्स में किसी का अवतार बनाने के लिए उसकी 360 डिग्री स्कैनिंग होती है। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो खरीद बिक्री के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तमाम वो तकनीक शामिल है जो आपको ले जाती है मेटावर्स की आभासी दुनिया में। फेसबुक से पहले 2017 में डिसेंट्रलैंड नाम की एक स्टार्टअप कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी, जिसके बाद आज कई कंपनियां मेटावर्स तकनीक को बाजार में उतार चुकी हैं। मेटावर्स की दुनिया एक्सपीरियंस कराने के लिए मौजूदा वक्त में कई कंपनियां काम कर रही हैं। डिसेंट्रलैंड के साथ ही सेकेंड लाइफ, एक्सी इन्फिनिटी, द सैंडबॉक्स और फेसबुक भी इस दिशा में काम कर रही हैं। मेटावर्स भले ही आज अचानक से चर्चा में आया हो, लेकिन यह है काफी पुराना। 1992 में नील स्टीफेंस ने अपने डिस्टोपियन उपन्यास स्नो क्रैश में इसका जिक्र किया। मेटावर्स दरअसल इंटरनेट का भविष्य है, तो तैयार हो जाइए मेटावर्स की आभासी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए।